गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो मेन गुण है आयनन ऊर्जा का, उसको सबसे पहले देखते हैं कि आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान होता क्या है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा उस परमाणु को देनी पड़ती है वह उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। जब हम परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस समय हमें जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन विभव कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते समय हमें जितनी ऊर्जा देनी होती है उसे द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। उसके बाद अगर हम क्रमागत और भी इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकालते जाएँ तो जितने हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएँगे उतनी ही हमें अधिक ऊर्जा परमाणु को देनी पड़ेगी। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो परमाणु धनावेशित हो जाएगा। तो जैसे अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें तो सोडियम में के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। अगर हम इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। लेकिन सोडियम के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कितने ही रहेंगे, 11 ही रहेंगे। तो पहले नाभिक के 11 प्रोटॉन सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 10 रह गई है। तो अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को और भी अधिक मजबूती से संभालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और अधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस ऊर्जा को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन ऊर्जा के लिए जो हम केमिस्ट्री में सिंबल काम में लेते हैं एक छोटा सा त्रिभुज यानी डेल्टा और एच काम में लेते हैं। इसमें देखिए इसकी काफ़ी सिंपल परिभाषा है कि एक निम्नतम अवस्था वाले गैसीय परमाणु से उसकी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या सर्वाधिक कम आकर्षण में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता हुई वो तो आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब इसका हम अगर उल्टा बोलें कि हम परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ें और जोड़ने पर जो ऊर्जा निकले वो क्या कहलाएगी। देखिए परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमने ऊर्जा दी उसको तो हम कहते हैं आयनन ऊर्जा, लेकिन परमाणु में जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं और इस इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के कारण जो ऊर्जा निकलती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब आयनन ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं तो हमने जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया, मान लो कि परमाणु ए, अब ए के पड़ोस में कोष्ठक में जी लिखा हुआ है। जी प्रदर्शित करता है उस परमाणु की अवस्था को, जी का मतलब गैस। अगर छोटा सा अगर ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में छोटा एस लिखा होगा मतलब सॉलिड है, छोटा एल लिखा होगा मतलब लिक्विड है और छोटा सा जी लिखा होगा मतलब गैसीय अवस्था में है। अब ए से गैसीय अवस्था में हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ए गैसीय अवस्था में क्या बन जाएगा, ए प्लस बन जाएगा गैसीय अवस्था में। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने ए को जो बाहर से ऊर्जा सप्लाई की है वो ए की प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कोई एग्जांपल लें तो एग्जांपल किस तरह से होगा। सेक्शन आयनन ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल प्रति मोल में
व्यक्त करते हैं। ज़्यादातर आपको ये बुक्स में किलो जूल प्रति मोल ही दिखाई देगा। आयरन ऊर्जा को हम पोटेंशियल के रूप में भी लिखते हैं, तो इसको हम आयरन ऊर्जा को आयरन विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन विभव भी कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल किलो जूल प्रति मोल में क्या रिलेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96.49 किलो जूल प्रति मोल के। अब आयनन ऊर्जा किस तरह से होती है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो ए जो कि गैसीय अवस्था में है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो बन गया ए प्लस। इस समय हमने जो ए को ऊर्जा दी है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो ऊर्जा कहलाएगी प्रथम आयनन ऊर्जा, जिसको हम डेल्टा एच से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन डेल्टा एच के साथ हम अपनी जानकारी के लिए छोटा सा वन लगा देंगे, यानी ये पहले वाली आयनन ऊर्जा है। ठीक है, अब ए बदल गया ए प्लस में। अब ए प्लस में बदलने के बाद में ये एक धन आयन बन गया है। अब एक धन आयन से हम अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन वो ए प्लस से ए प्लस टू में परिवर्तन हो जाएगा। अब ए प्लस टू में परिवर्तन के लिए जितनी ऊर्जा की हमने बाहर से दी है वो कहलाएगी द्वितीय आयनन ऊर्जा, और इसे हम डेल्टा एच के साथ छोटा सा टू लिख के प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक आया है ए प्लस टू। अब ए प्लस टू गैसीय अवस्था में, अब अगर हम इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, ए प्लस टू परिवर्तित हो जाएगा ए प्लस थ्री में। इस समय जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने ए प्लस टू को जो ऊर्जा दी है वो कहलाएगी हमारी तृतीय आयनन ऊर्जा, जिसको हम डेल्टा एच के साथ छोटा सा थ्री लिख के प्रदर्शित करेंगे। यहाँ तक आया आपको समझ में? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब धन आवेश बन जाता है तो उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हमें और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल है, तो हमें और ऊर्जा देनी पड़ती है। तो क्रमशः हम देखें कि प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, अपवादों को छोड़ते हुए अगर हम देखें तो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, उससे अधिक होता है द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान, और उससे अधिक होता है तृतीय आयनन ऊर्जा का मान। क्यों? क्योंकि धन वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा, तो परमाणु पर जितना धन आवेश बढ़ता जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें और ही ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा समस्याएँ आएंगी। यानी कि हम क्रम के अनुसार देखें तो आयनन ऊर्जा का मान लगातार क्रम से बढ़ता जाता है, प्रथम आयनन ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए द्वितीय आयनन ऊर्जा में, द्वितीय आयनन ऊर्जा से ज़्यादा चाहिए तृतीय आयनन ऊर्जा में। ठीक है, ऐसा इसका एक कारण ये भी है कि देखिए, मान लो कि सोडियम का हम उदाहरण लें तो सोडियम में के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, यानी एक के हिस्से में एक आ रहा था। जब एक इलेक्ट्रॉन हमने सोडियम से निकाल लिया तो 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहे हैं? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं तो 11 प्रोटॉन फिर 9 इलेक्ट्रॉनों को संभाल लेंगे। तो प्रथम अवस्था में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के बाद 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होती जाएगी उतना ही आसानी से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स है, प्रोटॉन की संख्या तो कम नहीं हो रही है, प्रोटॉन की संख्या तो वो की वो रह रही है। लेकिन जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी प्रोटॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन को और भी मजबूती से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ता जाएगा तो उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा परमाणु को देनी पड़ेगी, जिससे क्रमशः या लगातार अगली वाली आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल लें, सोडियम है, सोडियम गैस रूप में है, तो इससे अगर हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और सोडियम क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस। इसमें प्रथम आयनन ऊर्जा जो है वो हमें देनी पड़ी है
495 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अब ये बन गया सोडियम प्लस। सोडियम प्लस से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन सोडियम प्लस से सोडियम प्लस टू में परिवर्तित हो जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ी है? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यानी कि द्वितीय आयनन ऊर्जा में हमें 4581 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा देनी पड़ी है। यानी सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हमें सिर्फ 495 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा देनी पड़ी है और सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 4581 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा देनी पड़ी। यानी अगर हम इसे रफली मोटा मोटा माने तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 500 मान लो 495 को और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4500, यानी लगभग 9 गुना ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ी हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब अगर हम इसे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी अधिक ऊर्जा इसमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में? ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप आयनन ऊर्जा की परिभाषा दे दीजिए, उसके बाद कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए और ये बता दीजिए कि आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोजूल प्रति मोल में परिभाषित करते हैं। आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज़्यादा देनी होगी। जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो परमाणु निम्नतम अवस्था में होना चाहिए, वो परमाणु विलगित यानी आइसोलेट होना चाहिए और वो परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड नहीं होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। और कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ही सबसे कम आकर्षण बल से बना हुआ होता है। अब इसके उदाहरण में अगर आपको कोई फिक्स उदाहरण याद नहीं आता, कोई परमाणु ए मान लीजिए, फिर ए ए प्लस में बदल जाएगा, फिर ए प्लस टू में बदल जाएगा, फिर ए प्लस टू ए प्लस थ्री में बदल जाएगा। ऐसे प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा हो जाएगी। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सोडियम का, सोडियम से पहले सोडियम प्लस, फिर सोडियम प्लस से सोडियम प्लस टू बना सकते हैं, है ना। और सोडियम प्लस टू बनाने में जैसे प्रथम आयन की ऊर्जा की तुलना में द्वितीय आयन ऊर्जा की लगभग 9 गुना ज़्यादा है सोडियम के केस में। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि सबसे कम होते प्रथम आयन ऊर्जा, उससे ज़्यादा होते द्वितीय आयन ऊर्जा, उससे ज़्यादा होते तृतीय आयन ऊर्जा। तो ये आयनन ऊर्जा का क्रम ये लगातार प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय में बढ़ता क्यों जाता है, ये भी आप आराम से अब बता सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि आयनन ऊर्जा की गणना किस प्रकार की जाती है, है ना। ये आयनन ऊर्जा वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जांपल में 100% आएगा। इसके हिंदी वाले नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं और असाइनमेंट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। आप स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें, वीडियो अच्छे से सुने, लर्न करने की कोशिश करें। मैं आपको यूट्यूब चैनल पर पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और मैक्सिमम हिंदी में पढ़ाने की कोशिश की है ना। तो आप मेरी कोशिश यह है कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के कुछ शब्द हैं उनको भी जानें, और वैसे मैं आपको हिंदी मैं और बता ही रहा हूँ, फिर भी आपको कोई टर्म समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने नोट्स डाल दिए हैं इसके हिंदी मीडियम के, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने असाइनमेंट भी सेंड किया है। पहले आप नोट्स एक बार देखें कि नोट्स में क्या क्या है, उसके बाद आप वीडियो सुने, वीडियो के साथ आप नोट्स लेके बैठें और वीडियो सुनते हुए नोट्स को समझने की कोशिश करें। जब आपको नोट्स अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसके बाद आप असाइनमेंट सॉल्व करें। असाइनमेंट सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार कोशिश ज़रूर करें, थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। जहां आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो जो आपको बुक में मिला हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या टॉपिक से रिलेटेड आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हम ये प्लान कर रहे हैं कि जितनी भी बच्चों के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा और उन क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रख लेंगे। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास का हम एक वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक आपको कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में और भेज दूंगा, ताकि आप सभी बच्चे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉमन प्रॉब्लम है,
एक स्टूडेंट है योगेश, एक है सुरेश, दोनों के क्वेश्चन या प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं एक साथ ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास का वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डाल के लिंक आपको व्हाट्सएप और ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप उसको आराम से देख लीजिएगा, है ना। और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।